यार ये मालपुरा अंडा मैदा और चीनी से बनता है। अंडा मैदा और चीनी और धड़ाधड़ माशाल्लाह से काम चल रहा है। ये है रमजान की रौनक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। आपका भाई आपका दोस्त MSM आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका है एक नए ब्लॉग के साथ। और आज के साथ मौजूद है माजिद अली मीरानी। व्यूअर्स, कराची के अंदर ओल्ड फूड स्ट्रीट्स की लिस्ट लंबी है, उसके अंदर एक नाम आता है भाई पाकिस्तान चौक का भी। और पाकिस्तान चौक की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो 1880 में दयाराम गितुमाई शाहानी एक सिंध की मशहूर शख्सियत थे, उन्होंने इस एरिया को खरीदा बकायदा एजुकेशनल हब बनाने के लिए। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे इर्द गिर्द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो भाई उसके साथ साथ पाकिस्तान चौक अपनी लज्जतों से भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ आइटम्स हैं ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा नाम रखते हैं, बड़े फेमस हैं। और यहाँ की भी रौनक एक अपनी अलग रौनक है। और आज देखते हैं कि भाई आज अफ्तार की रौनक कैसी है यहाँ पे, क्योंकि आज भाई हम लोग अफ्तार करने पहुँचे हैं पाकिस्तान चौक पर। भाई बेकरी पे तो जलेबियाँ मिलती ही मिलती, यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ अंकल ने जलेबियों का, बड़ी तगड़ी जलेबियाँ हैं मोटी मोटी। ये देखें ये छोटा सा सेटअप लगाया माशाल्लाह से, ये देख रहे हैं आप जलेबियाँ भाई बनी हुई हैं और कुछ यहाँ पे ये तैयार भी हो रही है माशाल्लाह से जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, कैसे दे रहे हैं जलेबी? 600 रुपए की किलो जलेबी। ये देखो यार काफी ज्यादा मोटी जलेबी है, रसीली, ये देखे फर्स्ट क्लास जलेबी है यार, तकरीबन इतनी मोटी माजिद बंस रोड पे तो 900 रुपए किलो मिलती है। अच्छा ये आप रमजान रमजान में लगाते हैं वैसे ही 12 महीने? नहीं सिर्फ रमजान में लगाते हैं। अच्छा 12 महीने लगाते थे खत्म कर दिया। अच्छा 12 महीने पहले लगाते थे खत्म, अब सिर्फ रमजान में? रमजान में सही है। ये जो आप आवाम का ठाठे मारता समंदर देख रहे हैं रेडी के इर्द गिर्द, ये है भाई पाकिस्तान चौक के सबसे फेमस छूमंतर चना चाट। भाई इसका नाम है छूमंतर क्योंकि ये आती है एक डेढ़ घंटे के अंदर इसके 2-3 पतीले खत्म हो जाते हैं और ये मतलब छूमंतर हो जाती है, खत्म करके ये लोग छूमंतर हो जाते हैं, गोली हो जाते हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 6:15। हाँ उम्मीद करता हूँ कि भाई अफ्तारी से पहले पहले मुझे यहाँ से बस चाट की प्लेट मिल जाए, क्योंकि यहाँ से चाट की प्लेट टाइम से मिल जा रहा ना बहुत बड़ी कामयाबी वाली बात है। अभी कितने 500 का चली नहीं 1000 का पर आज अफ्तारी है। जेडीसी भी तो पहुंचे हुए ना तुम? हाँ जेडीसी में हाँ हर जगह पहुंच जाते हैं भाई, पहुंचे हुए लोग हैं हम लोग। आमीन आमीन। ये कौन सा नंबर पतीला चल रहा है? चौथा फाइनल, चौथा और आखिरी छूमंतर हो जाओगे इसके बाद। एक 180 वाली आ रही सर, 2 प्लेट वाली है। आ जा सामने आ जा, सामने आ जा, बच्चा मना रहा है। तुम्हारे को इशारा कर रहा, तुम देख ही नहीं रहे। भाई ये है सुपर बिरयानी एंड बन कबाब, बहुत ही यहाँ पे भी रश लगा हुआ है भाई, फुल मारा मारी चल रही है भाई। बिरयानी और बन कबाब के अलावा यहाँ पे तमाम किस्म के स्नैक्स भी पड़े हुए हैं, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के वॉन्टन रोल समोसे, कॉर्न समोसा चिकन समोसा भाई, ये भाई सुपर बन कबाब एंड बिरयानी। ये भाई बन कबाब के लिए अंडा फेंटा जा रहा है, ये देखें भाई कबाब को कपड़े पहनाए जा रहे हैं। कराची के अंदर इसहाक बन कबाब की 3 वैरायटी है, एक है लियारी में, एक खारादर में है और तीसरी है पाकिस्तान चौक। लेकिन बात यह है कि भाई इसहाक बन कबाब जो है ना रमजान के अंदर बन कबाब की हो जाती है छुट्टी वहाँ पे और ये लोग बेचते हैं ढाई बड़े। इसी तरह हमारे पिछले ब्लॉग हमें खारादर में भी हमारे साथ यही हुआ है कि हमें वहाँ पे बन कबाब नहीं मिले। कैसे दे रहे दही बड़े?
400 रुपए किलो ना पाव, 100 रुपए का जबरदस्त। और पीछे देखे भाई, ये शॉपरों में जाना पीछे पैक हो रहा है, ये यहाँ पे पापड़ियाँ लग रही हैं, ये वहाँ पे जाना पार्सल के लिए यहाँ पे भी तैयार हो रहे हैं। एक अलग ही माहौल बना हुआ है भाई यहाँ पे। यहाँ पर इसाक बन कबाब के साथ ही गली के अंदर यहाँ पे मशहूर कचोरी वाले है। कचोरी की लाइन लगी हुई है, ये देखें, ये वहां तक लाइन लगी हुई है भाई कचोरियों की। ये जो कचोरी है ना भाई, ये है अल नसीम कचोरी वाला। और ये देखें भाई, कचोरियों के यहाँ पे मेकिंग हो रही है और धड़ाधड़ माशाल्लाह से काम चल रहा है। ये है रमजान की रौनक है। ओए ओए, ये देखें भाई, अंदर दो भाई जो है ना कचोरियों के अंदर दाल डाल रहे हैं और माशाल्लाह से इनकी स्पीड चेक कर रहे हैं और कितने मजे से बैठे हुए काम कर रहे हैं। कोई तकल्लुफ भी नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं, क्योंकि पुराने चावल है ना भाई, इनको प्रैक्टिस होती है माशाल्लाह से। और ये है चने की दाल, बिल्कुल जो है उसको बेसन बनाया हुआ है। ये देखें पाकिस्तान चौक, शाम 6 बजे के मनाजिर, धड़ा धड़ रश लगा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे खरीदारी चल रही है? खरीदारी चल रही है। ओ भाई, ओ जबरदस्त जबरदस्त भाई, ये किस चीज का शरबत है? ये स्ट्रॉबेरी और बनाना शेक की शरबत है। ये शरबत है जबरदस्त। क्या हिसाब है ये? 50 और 100 जबरदस्त भाई। एक जगह पे चलते चलते मालपुड़े पे नजर पड़ गए। माजिद मालपुड़ा हो जाए वो बात है, पिछले लोग में भी रह गया है ना, रह गया है ना। चलो इस बार जाना, इस पर डन करते हैं। ये देखे भाई, छोटा सा स्टॉल है मालपुड़े का। भाई क्या हिसाब है मालपुड़े का? 70 रुपए का। अच्छा ये वाला मलाई के साथ 100 रुपए भाई, सादा मालपुड़ा 70, मलाई के साथ 100 रुपए। ये जो होती है ना, ये इसके साथ मलाई होती है भाई, इसके बगैर मालपुड़े का वो मजा नहीं आएगा भाई। ये मालपुड़ा वैसे बनता किस चीज से है यार? ये मालपुड़ा अंडा मैदा और चीनी से बनता है। अंडा मैदा और चीनी, और ये जो मलाई साथ में दी होती है किस चीज की होती है? खोए और दूध से। ये देखें भाई, कराची स्वीट्स का माहौल। यहाँ पे जलेबियाँ लग रही हैं, ये यहाँ पे पकौड़े पड़े हुए हैं, वहाँ पे समोसे, और ये खरीदारों का रश लगा हुआ है। और काफ़ी पुरानी दुकान है। आप ये देखें ना, जो जलेबियाँ बना रहे हैं आप, उनकी जो है ना एज ही देख सकते हैं आप। भाई थोड़ी देर पहले हम लोग वहां पे थे, वो आगे गली की शुरुआत है, फिर थोड़ा सा यू आगे आए तो यहाँ पे भी जो है समोसों का स्टॉल लगा हुआ है। जवान जवान लड़कों ने माशाल्लाह से जो है ना अपना स्टॉल लगा हुआ है समोसों का, और साथ में जो है ना ये चने और ये खट्टे आलू भी पड़े हैं। आप यहीं के रिहायशी हैं, कहीं और से आके यहाँ स्टॉल लगाते हैं? यहीं के मकामी हैं। यहीं के मकामी हैं। अच्छा, ये काले चने और खट्टे आलू क्या हिसाब दिए? 100 रुपए का पार्सल है। 100 रुपए का पार्सल है। और ये समोसे वगैरह? समोसे वगैरह 30 रुपए का है। 30 रुपए का समोसा है, कोई भी आलू वाला हो या चिकन हो। और वॉन्टॉन? वॉन्टॉन 25 का है। वो 25 का है। तकरीबन अब जो है ना रोजे का टाइम करीब आ रहा है, और ये भी जो है ना अर्तकल गाजी भी जा रहा है जल्दी में अपना रोज़ा खोलने के लिए। इन चीज़ों का बड़ा मसला रहता है जब आप बाहर अफ्तारी करते हैं ना, तो ये बंदोबस्त कर लिया डिस्पोजेबल बोतलें गिलास और चमचों का। भाई ये सबसे पहले तो भाई आएगी छू मंतर की चाट, आधी उतार देते वरना ज़ाया हो जाएगी, ये किसी को दे देंगे हमेशा की तरह। दूसरे नंबर पर चीज़ जो हमारे हत्ते लगी वो है भाई कराची स्वीट्स के ये पकौड़े समोसे, तो समोसे नहीं है सॉरी यार, पकौड़े ही हैं लेकिन आलू वाले हैं और दूसरे ये मसाले वाले।
उससे अगली चीज जो हमारे हत्ते लगी है वो है भाई अल नसीम की कचोरियाँ। उन कचोरियों के साथ हमें एक ही चीज़ दी गई है, वो है भाई आलू की तरकारी। और जनाब ये आता है हमारे पास मालपूड़ा, बिल्कुल ही जो है ना ऐसे लपेट के दिया है, बिल्कुल ही हालत ही बिगड़ गई है यार इसकी तो। और उसके बाद एंड में हमारे पास आता है भाई स्ट्रॉबेरी का शरबत। माशाल्लाह से भाई अजान आ रही है, और ये वो जगह है जहाँ थोड़ी देर पहले आवाम का समंदर था, अब बह गया। हर जगह पे रोज़ा खोला जा रहा है, हर कोई मसरूफ़ है रोज़ा खोलने में। चले भाई हमेशा की तरह खजूर के साथ अपने रोज़े का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अफ्तारी में जब आपके पास दो चार आइटम टेबल पे पड़े हुए होते हैं ना, तो खजूर के बाद आप सोचते हो कि यार सबसे पहले कौन सी चीज़ लो। माजी ऐसा होता है ना, वो जो पहला अटैक होता है ना वो खतरनाक होता है, खतरनाक होता है ना। तो अब इनमें से पहली सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है ना अंदर जानी चाहिए मैदे के? यार अगर मुझे खाना होता ना तो मैं तो छुमंतर को छुमंतर करता। छुमंतर, तो बस फिर जब तुमने यही सोचा तो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं भाई। ये आ गए भाई छुमंतर की चना चाट, जो कि पाकिस्तान चौक की वन ऑफ द मोस्ट फेमस चना चाट है छुमंतर। यार चने का तो पता ही नहीं लगा, मुँह में आया और वो घुल गया, मैं उसको ढूंढता ही रह गया मुँह के अंदर ना। बड़ी ज़बरदस्त होती है यार इनकी, और हमेशा से ही एक ही टेस्ट है इनका। ऐसा नहीं है कि रमज़ान आ गया तो मतलब उसकी वजह से ज़्यादा बेचने के चक्कर में बस हल्का फुल्का माल दो और भेजते जाओ, नहीं यार हमेशा की तरह अच्छी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चटपटी भी नहीं है, नॉर्मल और नॉर्मल है बिल्कुल, जो है ना इस टाइम के खाने लायक है बिल्कुल। छुमंतर की चाट के बाद भाई जो अगला हमारा दिल कर रहा है ना, वो कर रहा है अल नसीम की कचोरियाँ खाने पर। और अभी भी ये देखें, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नरम हो गई हूँ, अभी भी इनके अंदर जान बाकी है, जबकि 15-20 मिनट पहले ली गई हैं। आहा, अभी भी क्रंची है, और अंदर से ये देखो दाल की फीलिंग आपको नज़र आ रही होगी। इसके साथ अगर छोले या अचार वगैरह भी होता तो वो मज़ा कर जाता, और लेकिन आज सिर्फ जो है ना लगता है जल्दबाजी के अंदर सिर्फ आलू की तरकारी दी और कुछ भी नहीं। भाई पाकिस्तान चौक की अल नसीम कचोरियों की एक अपनी अलग ही बात है यार, ऊपर से इतनी क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट, आपको जो है ना खाने के अंदर एक दाल इनके अंदर बिल्कुल हल्की सी नहीं भरी हुई, अच्छी खासी दाल भरी हुई, आपको प्रॉपर दाल का टेस्ट भी आ रहा है बाइट के अंदर, और ऊपर से दाल की तरकारी, सॉरी आलू की तरकारी जो कि बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, बैलेंस इसका जो है ना टेस्ट आ रहा है बनके। कराची स्वीट्स के भाई पकोड़े, ये आलू वाले भी हम लोगों ने लिए थे और सादे भी, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल ही ठंडे हो चुके, अब इनके अंदर कोई गरमाइश नहीं बची यार। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी चीज़ें अब तक खाई हैं ना सब ने अपना टेस्ट अच्छा ही दिया, जैसे गरम में देते हैं। नहीं नहीं आपकी बात सही है, गरम गरम पकौड़े की अपनी बात होती है, लेकिन ठंडे हो गए तो ठीक है, तले हुए हैं ना। हाँ हाँ, घी भी थोड़ा सा वो जम जाते, थोड़े से नरम हो गए हैं। पकौड़ों का तेल की बात कर रहे हैं ना। हाँ क्या करें हम पाकिस्तानी लोग ना, अफ्तारी में लाजमी पकौड़ों को ऐड करते हैं अपने दस्तरखान में, वैसे करना नहीं चाहिए। इसको हम तेल में पकाते हैं, घी में, और ये लोग घी बाहर घी में पक रहे हैं। भाई अंकल सही कह रहे हैं कि हम लोग घरों पे जो पकाते हैं ना पकोड़े, तो ये हम लोग पकाते तेल के अंदर, और यहाँ पे जो ना बाहर तेल में नहीं घी में पकाए जाते, तो वो घी जम सा जाता है तो फिर वो अंदर भी मसला करता है। ये आपकी बात सही है भाई, ख़ास तौर पे ख्याल किया करें अफ्तारी के अंदर जो तली हुई चीज़ें ना उनसे थोड़ा अवॉइड किया करें। हम लोगों की एक तो बुरी आदत बन चुकी है, हम लोगों को भाई शरबत जूसेस और फ्रूट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तले हुई चीज़ को ज़रा कम खाएं, कम तो ज़रा फिर जो है ना इसको कम ही खाते हैं, इसको ज़रा हम लोग साइड पर ही कर देते हैं, वरना तो हम लोगों ने ये आलू वाले पकौड़े भी लिए हुए थे। हाँ आलू के पकोड़े, आलू बड़ा अंदर से सॉफ्ट हुआ है, अंकल कह रहे हैं इजाज़त दे दी उन्होंने, आप ले लिए तो खा ही लीजिए। अभी आते हैं मालपूड़े पे, ये तो ठीक है ना, मालपूड़ा तो ठीक है ना, सस्ता ही। हाँ चाय पिला देते हैं अंकल को, आप एक एक चाय ले आना खान, एक फिलहाल ले आओ, हम लोग बाद में मंगाएंगे, इनके लिए ले आओ एक। भाई मालपूड़े को इसके अंदर लाजमी डिप करके खाइएगा, वरना मालपूड़ा आपको उस तरह का टेस्ट नहीं देगा। सारा जो गेम है ना भाई उसका है, मलाई, इस मलाई का गेम है, और ये खोए वाली मलाई है, क्या इसने अपना टेस्ट छोड़ा है भाई। रबड़ी होती है ना जो एक ज़बरदस्त वाली, एक क्वालिटी की जो रबड़ी होती है टेस्टी, बिल्कुल उसी तरह का ही है।
और दिल कर रहा है ये छोटे से निवाले में पूरी रबड़ी ना भर भर के खाई जाए। हाय 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 रबड़ी खाएं आप, रबड़ी के अंदर जो है। अब आखिर में बारी आती है भाई स्ट्रॉबेरी शरबत की, इसको ज़रा पीने में हम लोगों ने देर कर दी है। ये जो मज़ा देती है ना, ये आपको घर में ना टैंग ना लीमू पानी ना कोई आपको कोल्ड ड्रिंक वो मज़ा नहीं दे पाएगी जो मज़ा इसके अंदर होता है। और भाई इसके अंदर स्ट्रॉबेरियाँ तो बिल्कुल डाल के उनको नहीं पीसा हुआ होता, बस ये जो स्ट्रॉबेरी है ना उसका फ्लेवर डाला हुआ होता है इसके अंदर पाउडर वगैरह, लेकिन ये है कि आपको वक्ती तौर पर पीने के अंदर मज़ा देती है, आपको बड़ा अच्छा टेस्ट देती है। आपको व्यूअर्स अफ्तारी के बाद जो असल रश जमा होता है ना वो जमा होता है भाई चाय वाले होटल के ऊपर, और होटलों का एक अलग ही माहौल बन जाता है भाई। सारे दिन के जो किस्से होते हैं ना वो एक दूसरे को सुनाए जाते हैं, और फिर चाय का कप भी साथ में होता है, फिर उसकी भी चुस्कियाँ चल रही होती है, एक अलग ही माहौल लगा हुआ होता है यहाँ पे। आहा गर्मा गर्म कड़क कड़क चाय बन रही है, और ये सारे दिन की जो थकान होती है ना वो इस चाय की चुस्की के बाद उतर जाती है। भाई मेरी तो सवारी हो गई है रेडी, मैं इस सवारी पे बैठ के निकलता हूँ अपने घर की तरफ, और इस व्लॉग को करते हैं हम लोग एंड। व्लॉग अगर आज का आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी आप लोगों ने करना है, और आगे इस तरह की वीडियोस देखनी है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।